हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में भी के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं महीने तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी के तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ नंद मुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में है साउंड ट्रेक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर दोनों हजार इक्कीस को मूवी रिलीज हुई थी अखंडा को समीको और दर्शकों से मिश्री समीक्षा फिल्म में साउंड के फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्यधारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय समारोह में भारतीय सेना गजेंद्राहूक के लिए गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाहित किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पंचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम राजू अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में और दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुचर केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वज्रजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहाद रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एन द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णा मचर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि की डिजिनटर परिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने की तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

ने की आखिरकार मुरली के सन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई कोई देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मीन तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी बाद तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयप्री सिन्न ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रग्या जय सवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला के सिंदूरी भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद्रिया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है में देख सकते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस धूरी भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है 2 दिसंबर तो 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम व एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली जू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम पेरुमल ने की आखिरकार मुरली के सन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और के इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण नशहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को शोरी से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टीटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में साउंड उंड्रेक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ इक्कीस को यह मूवी रिलीज हुई थी घंडा को समीजिकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में दो करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई घंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरम राजू राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली वराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर से कृष्णा मचर पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी 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 की स्टोरी को तो से को को से देखना चाहते हैं तो इस को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रो क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण मध्यस्थ जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पंचपल्ली एक डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों, की को तो से को देखना चाहते हैं तो इस मूवी कोई देख सकते हैं जैसे कि पे के साथ। दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की जिसे निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ है जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डी डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी के शिकार से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिसली डेब्यू के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं महीने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जैसे बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिकाओं में

भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रो क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पंचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरम राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली वराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर से कृष्णा मचर पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई कोई देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है 2 दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों को और दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने के शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

ने की आखिरकार मुरली के सन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बड़दल जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मीन तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी बाद तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयप्री सिन्न ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला के धोरी भूमिका में है साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर दो को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिशी समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद्रिया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर तो 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम व एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली वराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है 2 दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने के शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को शोरी से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिशियली डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में साउंड उंड्रेक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ इक्कीस को यह मूवी रिलीज हुई थी घंडा को समीजिकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में दो करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई घंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें करेंटोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रो क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरम राजू राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के और ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण नशहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को तो से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझ और दर्शकों से मिली समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने के शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने की तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस धूरी भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी के शिकार से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिसली डेब्यू के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं महीने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिकाओं में

भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रो क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली जू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे के साथ। दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

ने की आखिरकार मुरली के सन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को तो से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं की तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी बाद तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयप्री सिन्न ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला के धोरी भूमिका में है साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर दो को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिशी समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के समय और सरन ने के शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी 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 की स्टोरी को तो से को को से देखना चाहते हैं तो इस को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है 2 दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिली समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सारण्य पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम व एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली जू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका

है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और के इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण नशहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को शोरी से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति से लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में साउंड उंड्रेक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ इक्कीस को यह मूवी रिलीज हुई थी घंडा को समीजिकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में दो करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई घंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सर पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरम राजू राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली दराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी 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 की स्टोरी को तो से को को से देखना चाहते हैं तो इस को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझ और दर्शकों से मिली समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी 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 की स्टोरी को तो से को को से देखना चाहते हैं तो इस को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस धूरी भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है 2 दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिली समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी के शिकार से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओ टी टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिसली डेब्यू के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिकाओं में

भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रो क्रोध होता है रामचंदैया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सारण्य पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरम व एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली जू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रमश कृष्णा मचर पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है में देख सकते हैं। जैसे कि पे के साथ। दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मिलने के तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें पर जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझ और दशकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश

ने की आखिरकार मुरली के सन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं मीन किस तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयप्री सिन् ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि के धोरी भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर दो को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिशी समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती उसके कान गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कौर के बल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंदैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मारियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकड़ती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरन पंचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के, के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक में बदल जाता है अंतपुरम राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली जू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर से कृष्णा मचर पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी मूवी की स्टोरी को तो से को से देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में ऑफिस के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत हमारा मरियला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जयपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बाला किस भूमिका में हैं साउंडट्रैक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमनस द्वारा रचित है दो दिसंबर 2021 को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समझकर दर्शकों से मिश्र समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में पर, भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था बात करें कर की स्टोरी की तो एक अमेक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव प्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के समय और सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक साथ बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय ओदरजुलु गजन साहब के पास जाता है जो बाद रेडि सैद कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया चिकित्सा कर्म से कृष्णा मजर पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली किशन का बच्चा भी शिकार बन जाता है और शरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वरदजुलु के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को शोरी से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई टी टी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में डेब्यू रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी बात तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति से लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में साउंड उंड्रेक एल्बम और इस फिल्म का इस स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ इक्कीस को यह मूवी रिलीज हुई थी घंडा को समीजिकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में दो करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई घंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली कृष्ण एक मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सर पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक कृष्ण में बदल जाता है अंतपुरम राजू राजुलू एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में दलजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं चूंकि यह हरी मिट्टी है सरण्य प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के समय और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदला जुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली वराजू पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वजुलू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो भारत रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया धीचर क्रम से कृष्णा पेरुमल आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरन्य के अस्पताल में जाती है, रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियां वाले मुरली कृष्ण के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयप्री सेनु ने लिखा किया था इसका निर्माण द्वारिका के तहत रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ बाला किस धोरी भूमिका में है साउंड ट्रेक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर दो को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिश्री समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, समार में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक अमेरिक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक के एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण राजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कर को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक व्रत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मवती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वज्रजुल्लू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहादुर रेडी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एन द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णा मचर्य पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू आदमियों उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को शिकार से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई मूव कोई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सबक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो की अभी भी हिंदी में मेंब के रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी इक्कीस किसकी भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयपति सेनू ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रोगिंदर रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जायसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि भूमिका में

जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और के इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध होता है रामचंदा ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का वर्षों बाद मुरली कृष्ण है जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डी डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रह्मावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के और ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां बीमारियाँ हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्र्मावती वुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत

ने की आखिरकार मुरली कृष्ण शहर के अस्पताल में जाती रास्ते में बर्द जुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहां अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को से को से मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे के साथ हेलो दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिस रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयोप्री सिन्नों ने लिखा निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और इस फिल्म का स्कोर थमन इस, इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ को यह मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिशी समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रैक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुपी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय मुख्य धारा खंड में भारत के तिरपनवे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, में प्रदर्शित किया गया था बात करें की स्टोरी की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और के इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध होता है रामचंदा ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के सरन की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मवती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वज्रजुल्लू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहादुर रेडी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एन द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णा मचर्य पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को से को से मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की में बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिस रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयोप्री सिन्नों ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि बालाकृष्णी भूमिका में है साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौस को मूवी रिलीज हुई थी घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म साउंड ट्रेक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय परिणामा मुख्यधारा खंड में भारत के तिरपन में अंतरराष्ट्रीय की की तो जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारूद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके के के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को कर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मृत पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे एकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मुरली के मध्यस्थ जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पंचपल्ली एक डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मावती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वद्रजुल्लू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहादुर रेड्डी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एनआरआई द्वारा दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णामाचार्य पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को से को से मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि प्लस हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ हेलो दोस्तों आज की बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिस रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो किसकी की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयोप्री सिन्नों ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत मरियाला रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल जगपति बाबू और श्रीकांत के साथ नंदमुनि बालाकृष्ण धोरी भूमिका में हैं साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस, इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौ को मूवी रिलीज हुई थी एक घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से मिशी समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रेक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के

जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और कर को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए हैं जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ अचानक एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है ऐसे भगवान शिव का क्रोध होता है रामचंद्रिया ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भ गृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का वर्षों बाद मुरली कृष्ण है जिन्हें एक देवता के रूप में समाधित किया जाता है उनका उद्देश्य गुडबाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डी डीसी है जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इसी बीच मुरली के और शरण की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मवती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वद्रजुल्लू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहादुर रेडी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एन द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णा मचर्य पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली कृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी को से को से मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि हॉटस्टार पे के साथ हेलो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले अखंडा मूवी के बारे में जो कि अभी भी हिंदी में ऑफिस रिलीज हुई है तो वीडियो को शुरू करते हैं तरीके दोस्तों अखंडा मूवी सो इक्कीस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे भयोप्री सिन्नों ने लिखा और निर्देशित किया था इसका निर्माण द्वारिका क्रिएशन के तहत रविंद्र रेड्डी ने किया था इसमें प्रज्ञा जयसवाल बाबू और श्रीकांत के साथ ननंद मुनि बालाकृष्णी भूमिका में है साउंड ट्रैक एल्बम और फिल्म का स्कोर थमन इस द्वारा रचित है दो दिसंबर सौस को मूवी रिलीज हुई थी घंटा को समीक्षकों और दर्शकों से विशेष समीक्षा मिली फिल्म में साउंड ट्रेक के कारण फिल्म को लोकप्रिय मिली यह फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ से भी अधिक की व्यावसायिक सफलता के साथ हिट बन गई जो साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बनकर रुबी और बालाकृष्ण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई खंडा को भारत में भारतीय परिणामा धारा खंड में भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में, में प्रदर्शित किया गया था बात करें स्टोरी की, की तो एक जंगल में भारतीय सेना गजेंद्र साहू नामक एक भयानक डाकू के लिए गंभीर शिकार कर रही है उस मुठभेड़ के दौरान गजेंद्र साहू गंभीर रूप से घायल हो गया और एक धार्मिक संगठन महारुद्र पीठम के एक सरदार द्वारा बचाया गया जिस पर गजेंद्र सरदार की बात सुनता है और भगवान की प्रकृति में है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और उसकी कुर्सी के कारण जनता हमेशा मुखिया के सामने अपना सिर झुकाती है उसके कारण गजेंद्र पकरती के साथ खिलवाड़ करने के लिए सरदार और केबल्स को मारकर इसे जीत लेता है मरने से पहले सरदार कहता है कि भाग्य निर्माता और ब्रह्मांड को कभी चुनौती ना दें क्योंकि वह इसके जवाब का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे इसी समय अनंतपुर में एक दंपति रामचंद्रैया और धरनी को जुड़वा बच्चे हुए है जिसमें से एक मर्द पैदा हुआ जाना कि एक अघोरा आता है जब माँ सो रही होती है और प्रकट करती है कि वह प्रकृति है और मृत प्राय प्रकृति का प्रलय है जैसे भगवान शिव का क्रोध क्रोध होता है रामचंद ने डोरियों को काट दिया और बच्चों बच्चे को अघोरा को सौंप दिया जिसे अकाशी में भेज दिया गया जबकि गर्भगृह में रखे जाने पर बच्चा जीवित हो जाता है और अघोरों के संरक्षण में अपना पालन पोषण हो जाता है उस बच्चे का बाद मध्यस्थ हैं जिन्हें एक देवता के रूप में समाधि किया जाता है उनका उद्देश्य गुड़बाजी को खत्म करना है ताकि इलाके चारों तरफ से फले फूले सरण पचपल्ली एक डीसी हैं जिनके मुरली कृष्ण के साथ परिचित एक विरोध भाषा शुरू करते हैं जो उनकी विचारधाराओं को सीखने के बाद एक क्रस में बदल जाता है अंतपुरु एक गैंगस्टर अवैध रूप से उल्टे जंगल में यूरोनियम निष्कर्षण के अवैध खनन का प्रबंध करता है मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों के अधीन किया जाता है और दोस्तों के रूप में व्यवहार किया जाता है गजन साहू एक आत्मा के रूप में वरजुलू को मार्ग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह हरी मिट्टी है सरन ने प्रमुख सचिव ब्रमावती को एक गुप्त जांच के लिए नियुक्त करती है इस बीच मुरली के सरन ने की शादी हो जाती है और उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है एक दिन क्षेत्र के कई बच्चों को अजीबोगरीब बीमारियां हुई और डॉक्टर उनके पीछे के कारण का पता लगाने में असमर्थ हैं जबकि ब्रह्मवती वरदराजुलू की जंगली गतिविधियों का खुलासा करती है तो मुरली के सरकारी अधिकारियों की तलाश करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि इसे तेजी से रोका जाना चाहिए नहीं तो प्रदेश बहुत बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है यह सुनकर मुरली के सन वरदराज पर भड़क जाते हैं और जब उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत रेड्डी उन्हें रोकते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं उस समय वज्रजुल्लू गजेंद्र साहू के पास जाता है जो बहादुर रेडी सहित कई मौतों को छोड़कर अस्पताल में बम लगाकर भाग जाता है इसके बाद मुरली कृष्ण को एन द्वारा दूसरी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया दिचरा क्रम से कृष्णा मचर्य पेरुमल ने की आधिकारिक आखिरकार मुरली कृष्ण का बच्चा भी शिकार बन जाता है और सरण्य शहर के अस्पताल में जाती है रास्ते में वर्दुलू के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है जबकि फरार होने के दौरान वह एक प्राचीन गुफा में प्रवेश करती है जहाँ अलौकिक शक्तियों वाले मुरली मोलिकृष्ण के, के भाई अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा जो मंदिर को फिर से स्थापित करने के मिशन तहत आगे बढ़ रहे हैं वह ब्लैक गार्ड पर हमला करता है बच्चे को जीवित में जीवन में वापस उछालता है और सुरक्षित रूप से उन्हें छोड़ देता है दोस्तों मूवी की स्टोरी के प्रकार से मूवी को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को कई ओटीटी टी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जैसे कि डिजिन प्लेस्टर परिप्शन के साथ